इमेजिन करिए, ये आपका ड्रीम स्टेज है। आप हमेशा से स्टेज पे बोलना चाहते थे, आपको अपनी स्टोरी बोलने का मौका मिला है अपने ऑडियंस के सामने। आप कैसे उनका अटेंशन कैप्चर करने वाले हैं, कैसे आप अपनी स्टोरी बोलने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 चीज़ें जो करके आप 2024 यानी 2024 को एक परफेक्ट स्टोरी टेलिंग जर्नी बना सकते हैं। स्टे ट्यून टिल द एंड। हेलो दोस्तों, आई होप आप भी इतने एक्साइटेड हैं जैसे मैं एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे 2024 में आप अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो बात करते हैं क्या कर सकते हैं आप। तो सबसे पहली चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप काम करें इज टू अपग्रेड योर माइंडसेट। हमारे पास बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, मैं कौन हूँ, मेरी स्टोरी कौन चुनना चाहता है, क्यों लोग मुझसे सुने, मेरे पास तो कुछ स्पेशल नहीं है। I want you to upgrade your mindset. And उसके बहुत सारे तरीके हैं। You can use affirmation, जहाँ पे आप अपने से बोलेंगे Yes, I am a master storyteller. When I speak, people stop to listen to me. People actually pay to listen to my stories. आप visualization कर सकते हैं। Visualization में आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सामने वो बेस्ट ऑडियंस हैं एंड दे आर ऑल क्लैपिंग फॉर यू, दे आर ऑल गिविंग यू अ स्टैंडिंग ओवेशन। हाउ डज इट फील? आई एम वेरी श्योर आपको अच्छा लग रहा होगा सिर्फ फ्यू सेकेंड्स में। इमेजिन करिए अगर आप ये प्रैक्टिस 1 महीने तक करते हैं। सो फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू डू इज टू अपग्रेड योर माइंड सेट, ताकि आप इस तरह के बन जाएं कि यू कैन रिसीव द एक्लेट्स दैट यू नीड टू, यू आर एबल टू डिलीवर द स्टोरी दैट यू आर बॉर्न टू डिलीवर। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी चीज में निपुण होना है, किसी चीज में स्किल्ड होना है, यू हैव टू हैव दैट रॉ मटेरियल। एंड जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल क्या होगा? एग्जैक्टली, स्टोरीज। सो स्टार्ट कलेक्टिंग स्टोरीज, मेक अ स्टोरी बैंक, रीड इन द बुक्स, वॉच यूट्यूब वीडियोज, या आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, स्टार्ट कलेक्टिंग स्टोरी। अपने व्हाट्सएप पे आप भेज दो या फिर कहीं नोट पैड कर लो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेक अ टारगेट कि बाई एंड ऑफ March 31st आई नीड टू हैव एटलीस्ट 50 स्टोरीज। 90 दिन में 50 स्टोरी तो इकट्ठा कर सकते हो आप, अगर आप सही में करना चाहते हो। एंड अगर आप नहीं करना चाहते हो दैट्स फाइन, बट इफ यू रियली वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल आपको ये करना ही होगा। यू हैव टू कलेक्ट 50 स्टोरीज एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो यू हैव टू हैव स्टोरीज, स्टोरी जो आपको इम्पैक्ट की है, स्टोरी जो आपको इंस्पायर की है, स्टोरी जो आपने कहीं तो सुना और लाइक वाह यार क्या स्टोरी है, यू नोट इट डाउन, दैट इज योर रॉ मटेरियल। सो सेकेंड हैबिट दैट यू नीड टू डेवलप इज टू स्टार्ट कलेक्टिंग स्टोरीज। नंबर 3 हैबिट दैट यू नीड टू डेवलप, एनालाइजिंग 1 story per day। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बट इफ यू टेक 1 video per day, कोई भी एक अच्छा सा टेड टॉक, टेडेक्स टॉक उठा लीजिए, कोई भी फेमस स्पीच उठा लीजिए एंड स्टार्ट एनालाइजिंग क्या एलिमेंट्स यूज हुए हैं, कैसे डिलीवरी हुई है, क्या बैकग्राउंड था, कैसे ट्रांजिशन था। व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग दैट्स वेयर यू बिकम एनालिटिकल, दैट्स वेयर यू लर्न द नुएंसेस। एंड नंबर 4 When you do all the 3, the 4th one obvious is you need to craft stories. So learn about ki storytelling ke elements kaise, kya hote hain, hook kya hota hai, how you should start, how you should transition, how you should end on a power closure. What are the frameworks that you can use, how you can use, कहाँ पे आप हीरोज जर्नी यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे आप देन नाउ हाउ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे आप 4-step framework यूज़ कर सकते हैं। Start learning about crafting, start learning about the different elements and also start crafting your story. अपनी कोई भी आप स्टोरी उठा करके उसमें लगाना स्टार्ट करो कि अगर मैं step 1 में हुक लगाऊंगा तो इस स्टोरी का हुक क्या हो सकता है, एंड देन हाउ आई कैन टॉक अबाउट द प्रॉब्लम एंड फिर वो कैसे सॉल्व हुआ था एंड उससे लेसन क्या मिलता है, एज सिंपल एज दैट। सो स्टार्ट क्राफ्टिंग स्टोरीज, दैट इज द 4th one एंड द 5th one इज लर्न एंड प्रैक्टिस डिलीवरी, विच मीन्स दैट लर्न अबाउट कि कैसे हमें सही जगह पे पॉज लेना है, आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए ताकि ऑडियंस को लगे कि ये तो मुझसे ही बात कर रहा था, आपका स्टेज प्रेजेंस कैसा होना चाहिए कि आप स्टेज पे सिर्फ खड़े नहीं हो, आप स्टेज को होल्ड कर रहे हो, यू आर होल्डिंग द स्पेस। आप अपने वॉइस को सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आप अपने वॉइस को ऐसे वेरिएशन ला रहे हो दैट पीपल आर फीलिंग वाव, फीलिंग जस्ट लाइक अ वाव।
सो लर्न अबाउट डिलीवरी टेक्निक्स एंड देन छठा और बोनस है दैट इज टू स्टार्ट डिलीवरी एंड गेट फीडबैक. आप ऐसी कोई कम्युनिटी ज्वाइन करो, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन कॉन्फिडेंस स्टोरी टेलिंग हब यू आर मोस्ट वेलकम, और एनी अदर कम्युनिटी यू कैन ज्वाइन टोस्ट मास्टर, ऐसी कोई कम्युनिटी ज्वाइन करो जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको फीडबैक मिल सकता है. एंड हियर इज अ की, इफ यू रियली वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल आई रिकमेंड दैट यू हायर अ कोच. अ लॉट ऑफ टाइम अ कोच कैन सी, इवन यू कांट सी. आई हैव हैड सो मेनी कोचेज एंड आई स्टिल हैव कोचेज हु हेल्प मी. तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अगर आपको वो इंटरव्यू क्रैक करना है, अगर आपको वो प्रोडक्ट सेल करना है, अगर आपको लोगों में इम्पैक्ट क्रिएट करना है, देन हायर अ कोच एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. जब भी आप लोगों से मिलने जा रहे हो तो छोटी छोटी स्टोरीज शेयर करो, एनालॉजी शेयर करो, एंड देन सी द फीडबैक कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. देन स्टार्ट शेयरिंग बेटर स्टोरीज, बिगर स्टोरीज, देन मूव टू द पर्सनल स्टोरीज, बिजनेस स्टोरीज, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फीडबैक लो आप एंड इम्प्रूव करो. फीडबैक एंड इम्प्रूव. तो फिर से रिपीट कर देता हूँ जो छः चीज़ें, पाँच बोला था छः दे रहा हूँ. नंबर वन इज अपग्रेड योर माइंडसेट. यूज tools like visualization, use tools like vision board, use tools like affirmation to upgrade your mindset. Number two is ki collect karo aap story, chahe book se, YouTube se, podcast se, aap apni khud ki story ko reflect kar sakte ho, logon ko interview kar sakte ho, but start collecting stories. Goal kya tha? 50 stories by 31st March. Number three, analyze one story a day. TED Talk, TEDx Talk, जो स्टॉक यूट्यूब पे वीडियो कहीं भी कोई भी मिल रहा है, टेक वन स्टोरी पर डे एंड स्टार्ट एनालाइजिंग कि इसका क्राफ्टिंग कितना अच्छा हुआ है, इसका डिलीवरी प्रेजेंस क्या था, इसमें और क्या अच्छा कर सकते थे. स्टेप नंबर फोर इज टू क्राफ्ट योर स्टोरीज. स्टार्ट क्राफ्टिंग, यूज द एलिमेंट्स को कैसे यूज करना है, कैसे उसमें कॉल टू एक्शन देना है, कैसे कॉन्फिडेंट दिखाना है, कैसे कैरेक्टर्स लाने, कैसे इमोशंस प्रेजेंट करने हैं. स्टार्ट crafting the stories. Number five is learn about delivery skills. Like delivery skills is so important. So learn about delivery skills ki kahan pe pause lena hai, kahan pe eye contact improve karna hai, kaise mera stage presence aur acha ho sakta hai, mera aura aur behtareen ho sakta hai, kaise mera vocal variation top notch ho sakta hai. And next one or the last one is improve and get feedback. आपको प्रैक्टिस करना है, आपको आपको डिलीवर करना है किसी कम्युनिटी में, किसी हब में, एंड देन गेट फीडबैक, एंड देन इफ रिक्वायर्ड और आई वुड से हाईली रिकमेंड दैट हायर अ कोच हु कैन टेक योर जर्नी फॉरवर्ड. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2024 एंड आई एम श्योर कि अगर आपने ये छह चीज़ें अप्लाई की तो आपकी स्टोरी टेलिंग जर्नी एक नेक्स्ट लेवल पे होगी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.